हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम रैमर टीमान अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। देखते हैं कि रैमर टीमान अभिक्रिया होती क्या है और कैसे होती है। फिर रैमर टीमान अभिक्रिया में ये रहेगा कि फिनोल हमारे पास होता है, OH बेंजीन के ऊपर OH लगा हो, इसे फिनोल कहते हैं। इस पे हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं CHCl3 और इसकी रिएक्शन करवाते हैं 3 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। यानी सारे माध्यम में जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनोल से होती है तो सेलिसिलिहाइड बनता है। सेलिसिलिहाइड कहते हैं इसे। यहाँ OH इसकी इस ऑर्थो वाली स्थिति पर एल्डिहाइड समूह लग जाए CHO और बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें बन जाते हैं 3 मोल KCl बन जाता है और 2 मोल H2O बन जाता है। खैर बाई प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मुख्य उत्पाद बना है सेलिसिलिहाइड, इसका तरीका हम देखते हैं कि बनता कैसे है। साथ के साथ जब अभी के लिए क्रियाविधि देखेंगे तो कैसे और H2O भी बन जाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं अपने वीडियो में कि ये बना कैसे। तो अपन वही क्रियाविधि देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और क्या OH की रिएक्शन होगी। क्लोरोफॉर्म इस तरह का एक कंपाउंड होगा CHCl CHCl CHCl। इसकी रिएक्शन जब KOH से होगी तो ये एक क्षार है, इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो H2O बनेगा, H2O बनेगा तो ये H+ लेगा, ये OH- किसको लेगा, इस H+ को। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहीं पर रह जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, एक तो H2O क्योंकि इस H+ को इसने ले लिया, एक K+ क्योंकि ये OH- हटा दो K+ रह गया, और इस कार्बन पे एकाकी युग्म आ जाएगा क्योंकि ये जो दूसरा से ये बन के इलेक्ट्रॉन है दोनों इसके पास रह गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक तो खुद का ही था, एक इसका भी आया, इसमें इस पे माइनस आ गया। इसके अलावा 3 क्लोरीन रहेंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब देखिए ये कार्बन पे ऋणायन अस्थायी है और क्लोरीन ज्यादा विद्युतीय तत्व है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो इस पर माइनस गायब हो जाएगा और ये जो Cl निकलेगा वो Cl माइनस के रूप में निकलेगा जो K+ से बंध बना लेगा। एक तो KCl बन जाएगा और एक बन जाएगा कार्बन जिसपे दो एकाकी युग्म है, और एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, यानी कि कार्बिन बन गया जिसका अष्टक अपूर्ण है, 6 इलेक्ट्रॉन ही हो इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी ये अभी भी अनस्टेबल है, ये अभी भी किसी ऐसी जगह पर अटैक कर सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो। अभी तक देखो क्या हो चुका है, एक H2 बन चुका है, एक KCl बन चुका है, और अभी केवल एक KOH काम आया है। हमने 3 मोल KOH लिए हैं, बाकी कहां काम आता है देखते हैं। अब दूसरी चीज हम लेते हैं ये वाली फिनोल। फिनोल को हम ऐसे शो कर सकते हैं, इसमें हमने जैसे ही KOH डाला तो KOH एक क्षार है, ये इस H को ले सकता है, ये H को लेगा तो यहां H2 बनेगा और पोटेशियम का क्या बन जाएगा, K+, और ये क्या बनेगा, O- फिनोक्साइड आयन, ये बन गया फिनोक्साइड आयन। अब यहां पे एकाकी युग्म है, ये एकाकी युग्म का क्या हो सकता है, दान हो सकता है इधर, अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आते ही ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि कार्बन की संलग्नता ज्यादा हो जाएगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाली संरचना में, ये एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहां गया तो यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो गया। हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है क्योंकि हर बेंजीन वाले की हर स्थिति पे एक एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ फिनोल तो यहाँ नहीं है बस। अब देखिए यहाँ पर ऋणावेश है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो हमारा कार्बिन तैयार हो रखा था पहले, ये क्या देखेगा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इसको इलेक्ट्रॉनों की नीड है, तो ये इस पर अटैक कर देगा, ये इस पर अटैक कर देगा, या ये समझ लें कि इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, ये इस पर अटैक करे या ये इस पर अटैक करे, एक ही बात है, ये दोनों एड हो जाएंगे। ये दोनों एड होने से क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ, यहां H आ गया और वो एड हुआ तो CCl CL। देखिए यहां का जो माइनस था वो गायब हो जाएगा क्योंकि ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका तो माइनस खत्म हो गया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर माइनस आ जाएगा वापिस।
है ना, पहले कोई चार्ज नहीं था लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने, तो लेने वाले पर माइनस आ जाता है, जितना लेता है उतना माइनस आता है, तो कार्बन पे माइनस अस्थाई है, तो कार्बन पे अस्थायित्व को कम करने के लिए ये हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में यहां जाता है, तो बोन यहां जाएगा, बोन यहां आएगा तो ये बोन वापिस ऊपर जाएगा और ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। दिस ओपी माइनस, यहां डबल बोन, देखिए ये वाला डबल बोन आ गया और ये हाइड्रोजन जो फ्री हुआ वो इस कार्बन पे आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन होगी KOH से, जो KOH होगा वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा, मतलब OH इसका जो OH माइनस है वो कार्बन पर अटैक करेगा और एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा OP माइनस कार्बन OH, ये OH इसका है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और एक Cl माइनस बाहर निकल गया, वो Cl माइनस जो बाहर निकलेगा वो बचे हुए K के साथ क्या बना लेगा, KCl, तो यहां तक ये वाली संरचना बन गई। अब देखिए क्या हो सकता है, इस O माइनस को भी हाइड्रोजन की नीड है, ये भी हाइड्रोजन ले सकता है, अच्छा क्षार होता है ये, अगर अच्छा क्षार है O माइनस वाला तो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये हाइड्रोजन लेगा तो ये जो बोन है वो टूटेगा और ये बोन टूट के यहां जाएगा, ये बोन टूट के जैसे ही यहां आएगा इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी और इसको देखते हुए ये क्लोरीन भी यहां से निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो डबल बोन सॉरी OH, क्योंकि O2 था इस साइड, यह हाइड्रोजन ले लिया गया, फिर C डबल बोन O और यहां पे H, और वो जो Cl है वो निकल जाएगा और वो Cl क्या बना लेगा, फिर से KCl, ओके। तो इस रिएक्शन में तीन जगह KCl बन जाएंगे, यहां यहां और यहां, और दो जगह H2O बन जाएगा और मुख्य उत्पाद के रूप में मिल जाएगा हमें salicylidehyde। तो ये थी राइमर टीमान अभिक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।